गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के हो गए हैं 6:30, तो हमने धुलाई उलाई बाहर की कर दी है और देख सकते हो सुबह का कितना अच्छा व्यू लगता है। और ये गाय हमारी बैठी है अभी, और गोबर ओबर पापा ने कर दिया साफ। अभी झाड़ू लगनी बाकी है, लग गई है, और पोछा भी लगा दिया। और चलते हैं चूल्हा जलाते हैं, और चूल्हा जला के रख देते हैं आलू उबलने के लिए। आज बनेगी आलू की रोटी और रायता सुबह सुबह चूल्हे पर। और जब तक हम नहाएंगे तब तक हमारे आलू उबल जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे रोटी आलू की। इधर हमने पौधों में भी पानी दे दिया है, देख सकते हो कितनी खूबसूरत मनी प्लांट हमारी वो रखी है, देखो। और ये बेला का इस टाइम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुछ पौधे इधर भी लगे हैं, ये कोई फुलवाड़ी है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं मालूम है। और ये किसका पेड़ है कमेंट बताना। और ये भी हमने घर पे ही तैयार किया है, ये वाला पेड़। और ये किसका पेड़ है, ये वाला। और ये भी हमने घर पे लगाया था, ये है ड्रैगन फ्रूट का, हमारे घर पे आया तो उसी के बीज डाल दिए थे तो हो गया, देख सकते हो। और ये है मिर्च का, और ये है कैथे का पेड़, कैथा जो खट्टा खट्टा होता है फल, बहुत टाइट होता है ऊपर से। तो इधर हमने चूल्हा भी जला दिया है और रख देते हैं आलू उबलने के लिए। आलू भी धुल के हमने भगोने में रख दिए, इसे भी रख दिया चूल्हे पर। और जब तक नहाएंगे तब तक ये आलू हमारे अच्छे से उबल जाएंगे। तो सबसे पहले गिलहरियों को चावल दे देते हैं, वो भी इंतज़ार करती हैं। मिठू को भी चाहिए, मिठू भी सिर हिला रहे हैं। तुम्हें अभी देंगे बाद में, पहले दे आए बाहर हैं। हाँ देखो बाहर की धुलाई उलाई हो गई थी, और देखो गिलहरी भी बैठी है पेड़ के ऊपर, इंतजार रहता है इन्हें भी खाने का। देखो पिल्ले की वजह से नहीं आ रही हैं, पिल्ले आगे आ रही हैं खाने के लिए, डर रही हैं कहीं काट ना ले मुझे। तो इसके बाद अब हमने चावल वावल देने के बाद नहा धोकर अब चूल्हे में, चूल्हा पर हमारा जल गया था और सारा हमने तैयार भी कर लिया था, भरता आलू अच्छे से हमने आटा गूंद के रख लिया था। तो अब आ गई हूँ चूल्हे पर, बैठ गई हूँ, और रायता भी बूंदी भी डाल दी, मट्ठा भी हमने चला लिया, सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और इधर ही हमने मसाला जो घर पे बनाया वही मसाला हम डाल दे रहे हैं, और घर पे ही बना लेते हैं पुदीना वुदीना डाल के, हींग जीरा वगैरह सारा कुछ डाल के, और मसाला हम घर पे तैयार कर लेते हैं। ज़्यादातर हम घर पे अपने सारे मसाले तैयार करते हैं। तो इधर हमने और दिया लिया था, जो दिया दीपावली पे दिए आते हैं ना उसी तड़का लगाते हैं। और इससे पहले पता, पहले के अपने जो दादी बाबा, दादी और नानियाँ जो थी ना, पहले के लोग ऐसे ही तड़का लगाते थे, वही हमने पहले से दिया चूल्हे में डाल दिया था। और इसमें अब डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं और इसे तड़का लगा देते हैं। किस तरह से लगाते हैं तड़का, और आप लोग भी इसी तरह से एक बार तड़का लगा के देखना, बहुत ही टेस्टी रायता आपका बन के तैयार होगा और सारे पड़ोसियों में खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो इधर हमने ऑयल डाल दिया है और देख सकते हो इसमें अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसमें हींग जीरा खूब थोड़ा अच्छे ही डालना, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा आग लग जाएगी, इसके बाद ही छौंकेंगे तो इतना टेस्टी तड़का बनता है, लगता है कुछ पूछो मत, हर जगह खुशबू ही खुशबू हो जाएगी कि हाँ वो रायता बना है। और इधर देख सकते हो इधर मसाला मारा है, तो इसे अच्छे से मिला देते हैं। इस तरह से तड़का लगाइए, जब तक आग जल ना जाए तब तक तड़का नहीं लगाइए, और बहुत ही धुआं धुआं भर जाता है। और इसके बाद ये हम अपने रोटियां बना ले रहे हैं,
और ये भरता हम आपको दिखा रहे हैं, हमने भरता बना के तैयार किया है। आटा भी लगा लिया, आटा हमारे अच्छे से सेट हो गया। थोड़ा 10-15 मिनट पहले से गूंद के रख दो आटा, तो फिर उसके बाद रोटियां या पराठा कुछ भी बनाओ तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले अपनी 2 रोटी गाय की बनाएंगे, और उसके बाद हम वही हम आपको बता रहे हैं कि रोटी हमने बना ली थी, लेकिन सौरभ मेरे आए हैं, उनने बोला कि मम्मी पराठे बना दो, तो पहले हम सौरभ लिए पराठे बना रहे, वही हम आपको जूम करके पास से दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, तो हाथ से पकड़ के मोबाइल दिखा रहे हैं। और ये 2 रोटियां हम पकड़े अपने गाय के लिए बना दी थी पहले से आलू भर के, तो इधर पराठे बना दे रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे रोटी। रोटी भी बनाएंगे, क्योंकि सोचा था कि रोटी बनाएंगे, आलू का उसका बूंदी का रायता, तो ये हमने इनके सौरभ के पापा बैठे, और पास में बैठा है सौरभ भी, तो सौरभ देने जा रहा है अपने पापा को खाना, और इसके बाद खुद इसे भी देंगे और बेटी को देंगे। बेटी अभी कोचिंग गई इस टाइम, 7:30 से 8:30 बजे तक उसकी कोचिंग है, तो अभी कोचिंग गई है। और चूल्हे पर सुबह सुबह ठंडा मौसम रहता है तो चूल्हे पर ही बना लेते हैं, और बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती जल्दी की, हाँ जल्दी बनाओ, तो आराम से नहाने धोने के बाद सारा काम कंप्लीट करने के बाद तो खाना बनाते हैं, और फिर गरम गरम सभी लोग खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। और चूल्हे पर तो इधर देख सकते हो हम भरते जा रहे हैं, और उनके पापा ये बैठे हैं खाने के लिए, और मम्मी पापा भी खाएंगे, मम्मी पापा के लिए रोटी बनाएंगे। और एकदम से आँच स्लो आँच पर बनाओ ना रोटियां, तो बहुत ही अच्छी बनती हैं, और करारी करारी सेको। और इधर देख सकते हो पराठे हमारे बन गए, तो अब रोटियां सेक रहे वही हम आपको पास से दिखा रहे हैं, तो रोटियां हमारी बन रही हैं, और गरम गरम घी लगा के रायता के साथ देंगे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। और कौन कौन रोटी भी बनाता है भरता भर के कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी लगती हैं खाने में, किसने किसने खाई हैं। हमारे यहाँ तो बहुत खाई जाती हैं, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि अभी गर्मी है तो काफ़ी दिनों बाद आलू के पराठे वो रोटी बनी है, और अभी जल्दी में कचौड़ी भी बनी थी काफ़ी दिन, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो नहीं बनाया था, तो बेटी बोली मम्मी कचौड़ी वो बना लो रोटियां, तो इधर रोटी भी सेक दे रहे हैं। और 8:30 बजे तक मेरा काम हो गया था, बेटी आई थी, उसके बाद हमने फिर खाना भी बैठ के खा लिया था, और सब लोग तो खाते जा रहे हैं गरम गरम, अब हम भी चलते हैं, मेरी रोटी ये आखिरी रोटी है। खाना बनाने के बाद गाय को रोटी दे दी थी, और रोटी भी सबने खा ली, हमने भी खा ली, और रूम में बैठे हैं पंखा चला के, क्योंकि लग रही थी चूल्हे पे बनाया गर्मी लग गई थी, तो अंदर बैठ के रूम में बैठ के खाना खा लिया हमने भी, और सभी ने खाया था, तो उसके बाद हमने भी खा लिया। तो ये गाय से ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और ये सुबह से स्टार्ट किया था हमने, 6:30 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये 8:30 बजे तक मेरा ये खाना ना बन गया था, और उतने ही टाइम का उतने जैसे वीडियो हमने शूट किया था। और वीडियो ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फैमिली और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।